Hello students, I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Baghpat. So here we go with chapter 3rd of class 7th. This is of English main course book. The title of the chapter is The Village School. So let's talk about the first part of this chapter. We have already talked about the title of the chapter, The Village School. It is the first part, so let's start it. This is the story of three friends. Ye teen sahiliyon ki kahani hai, and those names are Tabassum, Tarannum and Rubina. Tabassum, Tarannum and Rubina are three inspiring young girls. Ye teeno jo ladkiyan hain, ye apne gaon ke liye bahut hi inspiring hai. Ek bada प्रेरणा स्रोत है. इंस्पायरिंग मीन्स क्या होता है? प्रेरणा स्रोत. दे हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द लिटिल विलेज ऑफ सजोई नियर वाराणसी फॉर गुड. फॉर गुड मीन्स भलाई के काम के लिए. दे हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द लिटिल विलेज ऑफ सजोई. उनके गांव का जो नाम था वो क्या था? सजोई. तो उन्होंने अपने सजोई नाम के गांव का चेहरा ही बदल दिया था. इट मीन्स दे डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर विलेज. उन्होंने अपने गाँव में बहुत सारे बदलाव किए थे. एंड द विलेज वॉज नियर वाराणसी. और उनका जो गांव था वो कहाँ था? वाराणसी के पास. इट मस्ट बी लर्न. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो द नेम ऑफ विलेज इज सजोई एंड विच इज नियर वाराणसी. वाराणसी के पास था ये गांव. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक रियल स्टोरी है. जो वाराणसी के पास ये जो गाँव है, वास्तव में इस गाँव की तीनों लड़कियाँ जो हैं, ये इन्होंने अपने गांव के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं ताकि ये अपने गांव का विकास कर सके. सो लेट्स सी, देखते हैं चैप्टर के अंदर ये किस तरीके से अपने उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं. देर वॉज अ टाइम व्हेन नो चाइल्ड इन द विलेज टुक एजुकेशन सीरियसली. सीरियसली मीन्स गंभीरता से, गंभीर रूप से. देर वॉज अ टाइम, एक वक्त ऐसा था, व्हेन नो चाइल्ड इन द विलेज, गाँव में कोई भी बच्चा, टुक एजुकेशन सीरियसली, वो शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं था, वो शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेता था. गर्ल्स वुड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल टू हेल्प देयर मदर्स. और यहाँ तक कि जो लड़कियाँ थी वो तो स्कूल ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना. स्कूल छोड़ दिया करती थी टू हेल्प देयर मदर्स, अपनी माताओं की मदद करने के लिए. एंड द पीपल ऑफ द विलेज रिफ्यूज्ड टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड एजुकेशन. इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व. तो जो गांव के लोग थे, द पीपल ऑफ द विलेज रिफ्यूज्ड टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड एजुकेशन. वो एक अच्छी शिक्षा का क्या महत्व है इस बात को देखना ही नहीं चाहते थे. उनकी नज़र में शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं थी. इन अवर विलेज नोबडी स्टडीड. हमारे गाँव में कोई भी पढ़ाई नहीं किया करता था. अब ये जो है, एक्चुअली दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू. ये एक इंटरव्यू की तरह है. असल में एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो तबस्सुम, जो इन तीनों लड़कियों में से एक लड़की है, उसका इंटरव्यू ले रहा है. और ये तबस्सुम जो है वो अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर रही है कि आखिर अपने गांव का विकास करते हुए उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. तो वो कह रही हैं कि इन अवर विलेज, हमारे गांव में नोबडी स्टडीड, कोई भी पढ़ाई नहीं किया करता था. वी द थ्री ऑफ अस वर द ओनली वंस हु फिनिश्ड स्कूल एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर. केवल हम तीन ही ऐसे थे जिन्होंने स्कूल ख़त्म किया एंड वेंट ऑन टू स्टडी फर्दर, और आगे पढ़ाई के लिए गए. Some of the children had never even stepped out. Stepped out का मतलब बाहर निकलना, of the village, गांव से. यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कभी गांव से बाहर कदम ही नहीं रखा था, वो गांव से बाहर ही नहीं निकले थे. The children from the बस्ती, बस्ती is a हिंदी वर्ड,
The children from the basti start working at a young age and ignore their education. जो बस्ती के बच्चे थे वो अपनी जो एजुकेशन थी उसको जो बच्चे थे बस्ती के स्टार्ट वर्किंग वो काम करना शुरू कर दिया करते थे एट ए यंग एज, बहुत ही यंग एज में, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में ही, किशोर अवस्था में ही वो काम करना शुरू कर दिया करते थे. एंड इग्नोर, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, और वो अनदेखा क्या करते थे, देयर एजुकेशन, अपनी शिक्षा को. सेज तबस्सुम, ये बात कौन कहती है, तबस्सुम कहती है, किससे, रिपोर्टर से. The girls decided to take matters into their own hands. अपने गांव की ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन देखते हुए उन लड़कियों ने इस मैटर को अपने हाथों में लेने का निश्चय किया. They decided to take matters into their own hands. अपने खुद के हाथों में लेने का निश्चय किया. They started going door to door. उन्होंने घर घर जाना, हर दरवाजे पर जाना शुरू किया. टू आस्क स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल, ताकि वे बच्चों को स्कूल आने के लिए कह सके. उन्होंने बच्चों को स्कूल में आने के लिए कहना शुरू किया घर घर जाकर. दे गॉट इन टच विद द ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, और उन्होंने दे गॉट इन टच का मतलब, गॉट इन टच का मतलब संपर्क बनाना. उन्होंने एक टचअप किया, एक संपर्क भी बनाया, किससे, विद द ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन. ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन मीन्स मानव कल्याण समिति. ह्यूमन मीन्स मानव, वेलफेयर मीन्स कल्याण, और एसोसिएशन मीन्स होता है समिति. एंड इट इज़ द नेम ऑफ एन एनजीओ, ये एक एनजीओ है इन वाराणसी, वाराणसी के अंदर. तो उन्होंने इस एनजीओ से भी संपर्क बनाए. विच ट्रेंड दैम, ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षण देना, जिसने उन तीनों को प्रशिक्षण भी दिया टू टेक ऑन दिस चैलेंज, ताकि वो इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार कर सके और इसको पूरा कर सके. एंड प्रोवाइडेड देम विद सपोर्ट, और उन्हें बहुत सा सहयोग प्रदान किया. द गर्ल्स फाउंड अ स्मॉल पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस मीन्स सार्वजनिक स्थान, जो खाली जगह होती है, जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ऐसी जगह, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान. The girls found a small public place where they started a school. तो गांव के अंदर ही उन्होंने एक छोटी सी जगह तलाश की और वहां पर अपना एक स्कूल शुरू किया. The school was meant for children who had never stepped out of their home. ये जो स्कूल था, was meant for, meant for का मतलब खास, उन बच्चों के लिए, या उन बच्चों के मतलब का ये स्कूल था. किन बच्चों के लिए मतलब का, हु हैड नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकला करते थे ज़्यादातर, और हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, या फिर उन्होंने घर, सॉरी, स्कूल छोड़ दिया था. ड्रॉप्ड आउट मीन्स छोड़ देना, या फिर उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स एट होम, उनके घर की समस्याओं के कारण. It was very difficult in the beginning. और शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा. Students would just not show up. विद्यार्थी दिखाई ही नहीं दिया करते थे, यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट होते थे स्कूल के अंदर. But we didn't give up. लेकिन हमने हार नहीं मानी. Give up का मतलब क्या होता है, हार मान जाना. लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी. वी वुड गो टू देयर हाउसेज, हम उनके घर ही जाया करते थे. एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन. एंड आस्क देम टू कम टू अवर स्कूल, और उन्हें अपने स्कूल में आने के लिए कहा करते थे. एंड फाइनली आफ्टर 6 months ऑफ डूइंग दिस, और आखिरकार ऐसा करते हुए जब हमें 6 महीने हो गए, 6 months आफ्टर डूइंग दिस, ऐसा करते हुए जब 6 महीने बीत गए, स्टूडेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल, विद्यार्थियों ने स्कूल आना शुरू किया विदाउट अस हैविंग टू ड्रैग. ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को खींच कर लेके आना. तो विदाउट अस हैविंग टू ड्रैग देम फ्रॉम देयर होम्स, अब हमें उनको उनके घरों से खींच कर, यानी कि जबरदस्ती बुलाकर लाना नहीं पड़ता था. अब उनमें ऐसा रूटीन पैदा हो गया था कि वो बिना बुलाए ही आना शुरू करने लगे थे.
तबस्सुम रिकॉल्स, रिकॉल्स का मतलब याद करते हुए कहना, याद करना, रिकॉल्स मीन्स रिमेम्बरिंग। तो तबस्सुम ने याद करते हुए कहा, इन द फर्स्ट मंथ, और पहले महीने में, दे हैड 35 स्टूडेंट्स, उनके पास केवल 35 स्टूडेंट्स ही थे, बट आफ्टर अ ईयर, लेकिन एक साल बाद, दे मैनेज टू एनरोल ओवर 170 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, लेकिन एक साल के बाद उन्होंने लगभग 170 स्टूडेंट, 170 बच्चे अपने विद्यालय में एनरोल कर लिए थे। एनरोल मीन्स नामांकन कर लिया था, उनका एडमिशन कर लिया था, यानी कि वो लगभग 170 स्टूडेंट्स गैदर करने में कामयाब हुए। दे मैनेज्ड इट, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि हाँ वो इतने बच्चों को मैनेज कर पाए। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।